Uh, अगर तो हम एक्सिस बैंक से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए तो गिफ्ट ने 120 पॉइंट क्यों नीचे क्या मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस का गिरना ये ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है खैर एनीवे वे एक्सिस बैंक के आई थिंक नंबर से थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट को हेल्प मिलेगी यहाँ पर पहला सपोर्ट है इक्यावन से इक्यावन एक का आपका हंड्रेड डे एक्सप्लेशन मूविंग एवरेज और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अच्छा देखिए निफ्टी भले ही आज अक्टूबर के लॉस्त तोड़ दे बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है बैंक निफ्टी में अक्टूबर के लॉस थे पचास दो सौ के आसपास पचास दो सौ से पचास चार सौ यहाँ से अभी भी हज़ार पॉइंट दूर है वो लेवल तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी जो हम बार बार, बार बात कर रहे हैं एक शीट बेटर है वो अभी भी इंटैक्ट है यहाँ पर आपको रजिस्टेंस मिलेगी पहले इक्यावन पाँच सौ से इक्यावन छः सौ पर ऑप्शन जोन के हिसाब से और उसके बाद इक्यावन सात सौ पचास से इक्यावन आठ सौ पचास जहाँ पर टेन और ट्वेंटी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका प्लेस्ड है पहले एक घंटे का इंतजार करें और देख लें कि इंडेक्स कैसे चल रहा है <coughs> अगर तो रैली फेल हुई तो शॉर्ट भी करें इस मार्केट में और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें ठीक है ना क्योंकि मेरी एजम्शन ये है कि बैंक निफ्टी में शायद थोड़ी रैली आए तो इन दैट केस और अगर दस बजे के बाद लगने लगे कि नहीं बैंक निफ्टी में सेकेंड रैली आ रही है और वो टिक रही है तो फिर डे लो का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग भी करें ठीक है एक चीज़ मैं कह देता हूँ लेकिन अगले कुछ दिन तक मार्केट में स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें और स्ट्रिक्टली दोनों साइड की पोजिशन लेने की कोशिश करें ये कहना बड़ा आसान होता है कि नहीं कल आपको शॉर्ट कैरी करके जाना चाहिए था आज सौ तो डेढ़ सौ पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हैं गैप अप खुल जाते तो तो इसके लिए ये थोड़ा सा रिस्क पोजिशनर ट्रेडिंग में रहेगा इस समय तो इंट्राडे रहे तो बेटर रहेगा परफेक्ट